तो इट्स प्राइमरी गोल इज़ द प्रोडिक्शन ऑफ सम आउटकम और अफेक्ट ऑफ द मैसेज अंडर एग्जामिनेशन यानी कि कोई मैसेज जब कन्वे किया जाता है तो उसका अफेक्ट क्या आता है उसकी आउटकम क्या आती है जैसे कि वो कोई न्यूज स्टोरी अगर आ, ब्रेक की गई है या अगर कोई एडवरटाइजमेंट जो है वो चलाई जा रही है पब्लिक कम्युनिकेशन में तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसकी आउटकम क्या आ रही है आ, इसकी प्रीमियर एग्जाम्पल है कि प्रडिक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन फ्रॉम न्यूज़ कवरेज ऑफ इशूज़ यानी आप जब डिफरेंट पब्लिक इशूज़ को कवर करते हैं तो उसके ऊपर फिर आप देख सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन किस तरह की बनेगी अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग होगी तो यू मे एक्सपेक्ट दैट के आ, जो मीडिया स्टडीज़ की थ्यूरी कहती है कि आपका जो है पब्लिक ओपिनियन पॉजिटिवली बनेगा और अगर आप बात करते हैं नेगेटिव मैनर में नैगेटिव कॉनिटेशन में तो जो मीडिया स्टडीज़ की थ्योरी है वो ये कहती है कि इसका जो पब्लिक ओपिनियन है वो पॉसिबली नेगेटिव बनेगा एंड वी एक्चुअली लिंक मीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस थिंग्स विद द बिहेवियर ऑफ द पीपल जैसे कि अगर हम एक वायलेंट कंटेंट चला रहे हैं मीडिया के ऊपर तो uh, उससे uh, हम ये एक्सपेक्ट uh, कर सकते हैं कि जो लोग हैं जो उसके रिसपियंट हैं उस मीडिया कॉन्टेंट के उसमें एग्रेशन बढ़ जाएगी जैसे कि अक्सर हम बात करते हैं कि जो कार्टून्स हैं अगर उसमें अगर आप बच्चों को वायलेंट कंटेंट दिखाते हैं तो दे आर मोर एग्रेसिव इन नेचर दे आर मोर वायलेंट टूवर्ड्स द अदर्स तो ये आ, जो है एक तरह से हम इसको स्टडी करते हैं जब इस तरह की चीज़ों को तो उसके लिए प्रोडिक्टिव कंटेंट एनालिसिस यूज करते हैं इन प्रोडिक्टि कंटेंट एनालिसिस द रिसर्चर एम्स टू रिसीवर और ऑडियंस रिस्पॉन्स टू द मैसेज Uh, the primary goal of this type of content analysis to explain the human behavior based on the uh, message they receive through the media content